गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग आ चुके हैं फुकेट और आज का जो ब्लॉग है वो होने वाला है फीफी टूर पे। तो आज हम लोग जाएंगे फीफी आइलैंड घूमने के लिए और आसपास माया बे, मंकी बीच, बहुत सारे आइलैंड्स हैं तो सब घूमने वाले हैं, जिसके लिए हम लोगों ने एक पैकेज लिया था जो हमें पड़ा है टू पीपल का 1300 baht। बहुत सारे हैं यहाँ पे, अगर आप लोग कभी भी आओगे फुकेट तो इतने सारे टूर्स एंड ट्रैवल कंपनी है तो आप कहीं से भी आप वो बाई कर सकते हो। और अभी बस हम लोग, हमारी शटल बस आने वाली है, एसी मिनी बस आएगी जो कि हमें पिक करेगी यहाँ से। और बस हम लोग रेडी हो गए हैं। ये मैंने पूरा कवर किया हुआ है अपने आप को क्योंकि इतनी ख़तरनाक टैनिंग हो गई है, इतनी ख़तरनाक कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही ख़तरनाक टैनिंग हो चुकी है। और वैसे लेकिन हमें पता होता है, हम जब भी इधर आते हैं, और आज भी थैंक गॉड मौसम बहुत अच्छा है, देखो बहुत अच्छा वेदर है, तो ख़राब होने का कोई चांस ही नहीं बनता। बट हाँ, आज ख़तरनाक टैनिंग होने वाली है बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं आपको मिनी बस में बैठकर ही मिलती हूँ। ओके, ये हमारी मिनी बस। और ये हैं हम लोग। ये पागल हो गया, पागल देख लो इसको, पागल। जैसा लग रहा है हम लोग स्कूल जा रहे हैं, सबको एक 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 करके पिक करके आ रहे हैं होटल्स में जा जा के, ऐसे स्कूल में नहीं करते थे, स्कूल की बस में सेम वैसे ही लग रहा है। अभी थोड़े से और रह गए हैं उनको लेके, फिर हम लोग कोई एक होटल है कहीं तो जाएंगे, होटल नहीं है जहाँ से हम लोग उसमें चढ़ेंगे, है ना, हाँ फेरी टाइप का स्टेशन है तो वहाँ चढ़ेंगे, पेरिस का स्टेशन है, समझ गए ना आप लोग, बस तो वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे वहाँ घूम घाम हमारे लिए ब्रेकफास्ट होगा और कुछ कुछ तो होगा, वहाँ जाके देखेंगे अब क्या है खाने के लिए। हम लोग आ गए हैं, अब यहाँ पे हमारे सिग्नेचर लिए जाएंगे, किस लिए हमारी मिनी बस। अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं और इधर पे जिनके पास स्विमवेयर नहीं है वो वहाँ से स्विमवेयर ले सकते हैं, उधर ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ पे सब सिग्नेचर्स कर रहे हैं। गाइस ये बिस्किट्स और स्नैक्स हैं, कॉफी वगैरह, और कॉफी है, जूस है। फिर ये मुझे सीखेगी, टैनिंग दिख रही है लोगों को, टैनिंग दिखा दो तेरे, तो टैनिंग हो गई, मुंह पे भी हो गया। अच्छा ये इन्होंने ये दिया देखो, पीपी सबाई मरीन, ये नंबर है इनका, तो ये जितने भी इनकी बोट सब हैं सबके पास है ये। गाइस अभी हम सब ने ब्रेकफास्ट करा है, सारे आ रहे हैं धीरे धीरे, और जो आइटनरी था उसके अकॉर्डिंग हम लोग 10 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। बहुत ख़तरनाक टैनिंग होने वाली है, आप देखो धूप, भयंकर धूप हो रही है, भयंकर, पता नहीं इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देखो क्लियर है बिल्कुल स्काई, और पेरिस वगैरह यहीं पीछे लगी हुई हैं। तो बस 10 बजे, अभी तो 9 बज रहा है, तो 10 o'clock हम लोग शाम निकल जाएंगे अपने सफ़र के लिए, फिर मैं आगे आगे आपको दिखाऊंगी। Someone want to get on the beach, you can do with the
गाइस सारी इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं फाइनली अपनी बोट पे। इधर पे सब लोग देख लो, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा, बहुत टैनिंग भी होने वाली है, बहुत टैनिंग। चलिए 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 आगे चलिए आगे चलिए। फोटो शूट की तैयारी चल रही है फुल। गंदी तरह टैन हो चुके हैं, बहुत गंदी तरह। यहाँ से निकल के कहीं भी लंच करने जाएंगे। आस्था लंच की बारी आ गई आखिरकार। ये जा रहे हम लोग लंच करने के लिए और मैं सोच रही थोड़ी फोटो यहाँ पे क्लिक करवा रही हूँ। इतनी फोटोज खा के घर वाली मर गए हम तो। देखो ये देखो माल है तो मारे हुए। भाई सब भी खाने के लिए आए हुए हैं, ये लिया मैंने। और यहाँ पे हम 145 तक हैं, उसके बाद बोट जहाँ पे ड्रॉप किया था वहीं हमको वापस जाना है। और अभी देखो बहुत सारे लोग हैं, हम वेजिटेरियन खाने वाले हैं यहाँ पे। ये सब वेजिटेरियन वाले नहीं है वैसे, लाल वाले भी हैं लाल। मेरा खाना मैं खा लेती हूँ। In your mouth and breathe by mouth. A little bite here and the lip cover. Or okay. Okay. Or if someone doesn't have anything, cover it out. Then you just take it off the mouthpiece and throw the water out and put again to breathe. Okay. Someone not really good for swim. Feet, put the life jacket on. And right now the water. And right now the water really rolls by. Could you please everyone be careful? The coral and the sea urchin. Okay? इसी तैयार हो रहे हैं स्नॉर्कलिंग करने के लिए। पीछे भी तैयार हो गए सारे, सब जा रहे हैं। हम लोग नहीं जा रहे क्योंकि हमें स्विमिंग नहीं आती और डर भी लगता है। पीछे सब जा रहे हैं। गाइस 45 मिनट्स के बाद मैं तो सो गई थी। और अभी हम लोग आज का ये लास्ट आइलैंड है। खाओ खाओ लोग, खाओ या खाए लोग आइलैंड ऐसे कुछ है। और यहाँ पे हमारा
और आज फीफी आइलैंड का टूर ख़त्म हो जाएगा। अभी हम लोग एक घंटा है इस आइलैंड पे और एक घंटे रिलैक्स करने के लिए है, जिसको पिक्चर्स क्लिक करनी है, कुछ खाना है या कुछ भी करना है यहाँ पे कर सकते हैं। और जेट स्कीइंग भी हो रही, देखती हूँ करूँगी, ट्राई करूँगी। सी दिस, कुछ तो पता नहीं क्या है। रॉक्स वगैरह तब आ रहे लोग यहाँ बैठने के लिए ना। मैंने पिक्चर्स वीडियोस कराई, कितना सुंदर है ना, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। और मैं ये बोलूँगी कि आप लोग यहाँ ज़रूर आना। अब हम लोग जा रहे हैं अपनी बोट की तरफ, लेकिन हमारे बोट में थे दोनों, ये भी और ये भी, आपने देखा होगा हमारे साथ। आई थिंक दे आर फ्रॉम जापान मेरे ख्याल से। तो टायर्ड और इधर पे ना, जो यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं ना, 2 पर्सन का 150 baht बैठने के लिए चेयर का वो है, देखो पीछे ये जितने भी चेयर्स हैं, इसमें अगर आपको बैठना है तो आपको 150 baht देना होगा, उसके बाद आप यहाँ बैठ सकते हो। मैं उधर का वो दिखाती हूँ आपको, व्यू कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर है। गाइस फाइनली पहुंच गए हम लोग, आगे जाके बनाऊंगी वीडियो, वरना इधर ही गिरी बन के चलते हो सकते हैं, गिर जाऊँ है ना। नहीं नहीं, आज ऑफिस बैठ गए, मजा आया। ये देखो मेरे मुंह में पूरा ब्लड दिखेगा। बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर दूंगी, क्योंकि इसके बाद निकल जाना है और हालत भी नहीं रहेगी। बस यहीं तक था ब्लॉग, आई रही हूँ आपको तो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और कुछ पूछना भी होगा तो मुझे कमेंट से पूछ लेना, ऐसे तो इसमें सब कुछ पता लग ही रहा था, बताई देती हूँ। और